भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने देश को गौरवान्वित करने वाले पल दिए हैं, जिसकी वजह से आज भारत स्पेस सेक्टर में अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है। इसरो की बदौलत भारत ने साइकिल पर रॉकेट ले जाने से लेकर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग का सफर तय किया। अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां पहले अमेरिकी प्राइवेट स्पेस एजेंसी SpaceX का ही नाम प्राइवेट स्पेस सेक्टर में आगे था, अब भारत भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। स्काईरूट नाम की भारतीय निजी स्पेस कंपनी ने कुछ समय पहले अपने रॉकेट का सफल परीक्षण किया था और अब आखिरकार नए भारतीय स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने अपने पहले सिंगल स्टेज रॉकेट का सफल टेस्ट पूरा कर लिया है। अग्निबार्ड सॉर्टेड यानी सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर नाम के मिशन ने श्री हरिकोटा में धनुष लॉन्च पैड से उड़ान भरी थी। ये इसलिए और खास है क्योंकि इससे पहले चार बार किसी न किसी वजह से ये मिशन टल गया था। ये भारत का इकलौता ऐसा रॉकेट इंजन है जो गैस और लिक्विड दोनों ही तरह के ईंधन का इस्तेमाल करता है। अग्निबार्ड रॉकेट ऑर्बिट में 300 किलोग्राम का पेलोड 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है। इस रॉकेट लॉन्चिंग के लिए अग्निकुल ने अपने डेटा एक्विजिशन सिस्टम और फ्लाइट कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया है, जिन्हें 100% खुद कंपनी ने ही तैयार किया है और ये आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है। इसके अलावा इस रॉकेट को भारत के पहले प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया, जिसका नाम धनुष है और ये लॉन्च पैड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। यहाँ से निजी कंपनियों के वर्टिकल टेक ऑफ वाले रॉकेट्स को ही लॉन्च किया जाता है। अग्निबार्ड रॉकेट देश के पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन अग्निलिट से पावर्ड था। ये सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाली दुनिया की पहली उड़ान थी, जिसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स और इन हाउस डेवलप किया गया ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर लगाया गया था। पहले जहां इसरो के कंधे पर रॉकेट लॉन्चिंग की जिम्मेदारी हुआ करती थी, अब प्राइवेट कंपनी भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही हैं और भारत को मजबूती दे रही हैं। अग्निकुल कॉस्मोस एक भारतीय एरोस्पेस निर्माता है जो IIT मद्रास, चेन्नई के राष्ट्रीय दहन अनुसंधान एवं विकास केंद्र NCRD में स्थित है। इस स्टार्टअप का लक्ष्य अग्निबाण जैसे खुद के बनाए छोटे लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप करना और लॉन्च करना है। इस स्टार्टअप में बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने भी इन्वेस्ट किया है। उनके साथ ही कंपनी में सिलिकॉन वैली के टॉप इन्वेस्टर नवल रविकांत और बालाजी श्रीनिवासन ने भी निवेश किया है। ये भारत में किसी प्राइवेट स्टार्टअप की ओर से किया गया दूसरा रॉकेट लॉन्च था। भविष्य में ये कम कॉस्ट में रॉकेट लॉन्च को सफल बनाएगी और अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स पहुंचाएंगे। ये भारत को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक अहम कदम है।